सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं अपनी 2022 की क्लासिक 350 की जो बेस सीरीज़ आती है गाइस, अपना रेडिट सीरीज़। सो उसका आज हम रिव्यू करेंगे। एंड आपके सामने गाइस, इसका जो मेरा फेवरेट कलर है वो आपके सामने जो यहाँ पे विजिबल होगा। सो यहाँ पे रेडिश ग्रीन कलर है गाइस ये हमारा। सो गाइस, ये हमारा सेज ग्रीन कलर है। एंड आज की इस वीडियो में आपको मैं इस वेरियंट के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको सब बता दूंगा। एंड साथ ही मैं आपको पता लग जाएगा क्या ये बाइक जो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होने वाली है या फिर नहीं। जितनी स्पेसिफिकेशन होती है कंप्लीट आपको मैं शेयर कर दूंगा न्यू ऑन रोड प्राइसिंग के साथ में। एंड गाइज, मैं दो ऑटो इंडिया में आऊँ, जितने और शोरूम की डिटेल्स है सारी की सारी आपको जो डिस्क्रिप्शन में हो जाएंगी प्रोवाइड। सो आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से, फ्रंट की स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे, टायर्स ऑफ कोर्स। सो फ्रंट में अगर आप देखोगे गाइज, तो यहाँ पे हमको 19 इंच का फ्रंट में हमको टायर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे गाइज, सिंगल चैनल एबीएस हमको मिलता है इस वाली बाइक में। ट्यूब वाला टायर होने वाला है, ट्यूबलेस प्रोवाइड नहीं होगा। सो सिंगल चैनल एबीएस है। सो फ्रंट की डिस्क यहाँ पे देखोगे 300 mm की होने वाली है फ्रंट की डिस्क हमारी। एंड यहाँ पे हमको स्पोक रिम्स इसमें जो है प्रोवाइड हो जाएंगे। दोनों तरफ हमको रिफ्लेक्टर भी इधर मिल जाते हैं। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको बाइब्री के कैलिपर्स मिलते हैं जो कि काफ़ी इफेक्टिव होते हैं अपने। बात करें अगर हम अपने सस्पेंशन के बारे में फ्रंट की, तो यहाँ पे हमको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है जो कि हमारा 41 mm का होने वाला है। एंड गाइज, आप जो यहाँ पे लेग गार्ड देख रहे हो ये हमको कंपनी से नहीं मिलता, यहाँ पे जो है हमारे शोरूम वाले ने एक्सेसरीज़ के तौर पे इसको यहाँ पे फिट करा है। सो आप इसको भी इंस्टॉल करवा सकते हो अपनी बाइक में। इधर हम बात करें अगर अपने हेडलैम्प सेटअप के बारे में, सो यहाँ पे कंप्लीट अपना हेलोजन में ही होने वाला है। इधर गाइज हमको बल्ब लाइट मिल जाते हैं दोनों तरफ। एंड अगर आप देखो अपने इंडिकेटर्स तो काफ़ी फ्लेक्सिबल क्वालिटी में है एंड क्रोम में दिए गए हैं। सो ये भी अपने बल्ब में ही होने वाले हैं। फ्रंट से बाइक के लुक चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी यहाँ पे रेट्रो टाइप इसकी लुक हमको देखने को मिल जाती है। अगर बढ़े हम थोड़ी सी पीछे, सो सबसे पहले तो गाइज हम बात करते हैं अपने टैंक की। सो यहाँ पे हमको 13 लीटर का टैंक देखने को मिलेगा। एंड गाइज पूरा ग्लॉस में है मडगार्ड, एंड जो पीछे का मडगार्ड है सारा बॉडी का यूज़ यहाँ पे ब्लैक किया गया है, इंजन क्रोम में है। सो तीन कलर हमको इसमें देखने को मिल जाते हैं, रेडिज ग्रीन, सेज ग्रीन आपके सामने है, रेडिज रेड एंड रेडिज ग्रे। सो तीनों कलर्स में सिर्फ टैंक का कलर में डिफरेंस आएगा एंड बाकी सब गाइज हमको हमारा ग्लॉस ब्लैक में ही देखने को मिलेगा। सो गाइज यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अपना रॉयल एनफील्ड की डिटेलिंग है 3D में, काफ़ी अच्छी लग रही है ये भी अपनी। एंड ब्लैक कहीं ना कहीं अपने ग्रीन को भी सूट कर रहा है। बात करें अगर अपने इंजन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, सो इंजन अगर आप देखोगे सो यहाँ पे अपना कंप्लीट गाइज क्रोम में रखा हुआ है। जैसा हमारा जो कैटलिक कन्वर्टर था पहले यहाँ पे था, सो अब वो नीचे शिफ्ट कर दे, उससे गाइज इसकी बाइक की अपीयरेंस काफ़ी अच्छी हो गई है एंड बेंड पाइप आपको स्मूथ सी मिल जाती है। सो इंजन अगर आप देखोगे पूरा क्रोम में है, काफ़ी हैवी क्वालिटी का इंजन है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका हमें टॉर्क एंड पावर मिल जाता है। सो गाइज यहाँ पे आपको 350 cc का इसमें इंजन प्रोवाइड हो जाता है। सो यहाँ पे एयर कूल्ड इंजन हमारा होने वाला है एंड 4-stroke गाइज हमको इसमें इंजन मिलेगा। सो यहाँ पे 20.21 PS ऑफ पावर एंड 27 Nm ऑफ टॉर्क जो है ये वाला इंजन हमको प्रोवाइड कर देता है। 5 स्पीड के साथ आपको ये वाली बाइक देखने को मिल जाती है। सो गाइज अभी अगर हम बात करें कम्फर्ट एंड सीट्स के बारे में, सीट अगर आप देखोगे यहाँ पे हमको इसमें स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है एंड ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाले अपनी ओल्ड वाली जो क्लासिक 350 है उससे। सो काफ़ी ज़्यादा कुशनिंग इसमें हमको प्रोवाइड हो जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा वाइड भी गाइज हमारी होने वाली है। सो इससे आपको मतलब अच्छा खासा कंफर्ट प्रोवाइड हो जाता है। एंड अगर आप इस बाइक को लेकर अपनी लॉन्ग राइड्स पे भी जा रहे हो, सो आपकी जो राइड है गाइज वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है। एंड जो पिलियन पैसेंजर है उसकी सीट भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। पीछे गाइज हमको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, ये अपना ग्लॉस में है। एंड टेल लाइट अगर आप बैक की एक बार देखोगे तो यहाँ पे हमको बल्ब में ही देखने को मिलेगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ओल्ड स्कूल टाइप इसकी लुक जो है प्रोवाइड कर देती है हमारी बाइक को। सो गाइज अभी अगर हम बात करें अपने बैक के टायर के बारे में, यहाँ पे हमको 120x18 इंच का बैक में गाइज हमको टायर जो यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। एंड सीएट का टायर होने वाला गाइज हमारे दोनों फ्रंट एंड बैक का, दोनों सीएट टायर्स है। पीछे हमको शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं एंड गाइज पीछे हमको ड्रम ब्रेक की मिलेगी, डिस्क हमको पीछे प्रोवाइड नहीं होती। एंड अगर आपको डिस्क ले जाना है तो आपको इसके अपर वाले वेरियंट है, सो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। इस वाले मॉडल में आपको ऑप्शन नहीं मिलता डिस्क का। सो एग्जॉस्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे कंप्लीट में क्रोम में ही होने वाला है। एंड इस वाली बाइक में गाइज हमको 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। एंड इस बाइक का वेट है गाइज वो है अपना 195 kgs। सो गाइज अभी जो आपको मैं इसके जो क्लस्टर है उसके बारे में बता देता हूँ। अगर हम बात करें अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, यहाँ पे हमको आइडल 400 का बटन है, पावर बटन है, नीचे हैजार्ड लाइट का बटन है। एंड आप मिरर देखो तो गाइज मिरर अपने दोनों ही क्रोम में है। इधर अपना हाई बीम लो बीम का बटन है एंड इंडिकेटर्स का एंड हॉर्न का। एंड इस साइड गाइज हमको हमारा आई बटन मिल जाएगा जिससे जो अपनी जो क्लस्टर के ट्रिप के कंट्रोल है वो चेंज होंगे। एंड गाइज इस साइड हमको एक USB चार्जर मिल जाता है। सो ये एक और अच्छा फीचर है रॉयल एनफील्ड ने अब ऐड कर दिया इन बाइकों में। सो सबसे पहले तो गाइज आपको जो मैं इसकी कीज़ दिखा देता हूँ। सो कीज़ पे आप लुक डाल सकते हो, यहाँ पे हमको ड्यूल की मिलने वाली है
यहाँ पर रॉयल एनफील्ड सिंस 1991 यहाँ पर आपको बैचिंग मिलेगी। सो गाइज अभी ऑन करते हैं। एंड आपको एक और बात बता दूँ कि गाइज यहाँ पे आप देख रहे हो, सो यहाँ पे जो हमको क्रोम का एलिमेंट मिलता है, सो आप इसी को गाइज रिप्लेस करवा के अपना मीटियोर में जो हमको नेविगेशन मिलता है आप उसको इस यहाँ पे इंस्टॉल जो है करवा सकते हो। एंड गाइज अभी मैंने ऑन कर दिया अपने क्लस्टर को, सो आप देखोगे सो यहाँ पे हमको आरपीएम मीटर मिल जाता है एंड स्पीडोमीटर भी इधर ही है। सो अब गाइज क्या है, रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी ज़्यादा इसको एडवांस कर दिया है। एंड अभी इसमें हमको डिजिटली गाइज अपना फ्यूल का भी देखने को मिल जाता है। एंड जैसा मैंने आपको बताया था हमको आई का बटन मिलता है, सो इसको हम प्रेस करेंगे, सो आप देखोगे यहाँ पे जो इसके ट्रिप के कंट्रोल्स है वो चेंज हो जाएंगे। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमको मोड्स देखने को मिल जाते हैं अब जो रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। एंड इधर कुछ इंडिकेशन है जैसे न्यूट्रल का हो गया, ABS, पेट्रोल, यहाँ पे फ्यूल गेज एंड जो अपना इंजन की बोरिंग लाइट होते हैं वो सब हमको इंडिकेशन इधर मिल जाएंगी। सो अभी जो आपको मैं इसकी टेल लाइट की लुक चेक कराता हूँ एंड आपको जो इसके इंडिकेटर्स है वो भी ऑन करके दिखा देता हूँ। सो अभी मैं हज़ार लाइट का ऑप्शन को जो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। सो अभी गाइस बैक से आप लुक चेकआउट कर सकते हो टेल लाइट की एंड इंडिकेटर्स की। सो यहाँ पे हमको काफ़ी ओल्ड स्कूल टाइप लुक जो है इसमें प्रोवाइड हो जाती है। एंड फ्रंट से भी गाइस अगर आप देखोगे सो इसकी जो स्पार्किंग लाइट है वो मैंने कर दी है ऑन। एंड आप इंडिकेटर्स की भी लुक चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमको अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं इसमें। सो गाइस अभी अगर हम बात करें इस बाइक की माइलेज के बारे में, सो इस वाली बाइक में गाइस हमको 35 to 40 के अराउंड सिटी में ईजिली माइलेज जो है ये बाइक हमको प्रोवाइड कर देती है। एंड हाईवे में गाइस यहाँ पे हमको 42 to 45 के अराउंड मिल जाती है। एंड अभी अगर हम बात करें इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में, सो गाइस इस बाइक का जो हमको एक्स शोरूम मिलेगा वो है 1,87,000। एंड बात करें अगर हम इसके ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में, सो यहाँ गाइस यहाँ पे हमको 2,11,000 का इसमें हमको ऑन रोड जो है प्राइस पड़ने वाला है। एंड गाइस मैं आपको कहूँगा कि ये हमारा रॉयल एनफील्ड क्लासिक में सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मुझे लगा, क्योंकि अगर आप चाहो तो इसमें अपने अलॉयज वगैरह ये सब आप कंपनी से ही फिट करवा सकते हो। एंड आपको सिर्फ एक फीचर नहीं मिलता जो कि अपने डबल डिस्क का, एंड उसके अलावा आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि अपने टॉप मॉडल में आते हैं। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो। सो गाइस मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग इन।